उजरत मिलनी चाहिए। तो कहा कि जिन लोगों ने रोज़ा रखा था आज मैंने सबको माफ़ कर दिया। खुदा करे कि आज हम सब सबके सब माफ़ कर दिए जाएँ और अल्लाह हमें इस तरह के बहुत से रोज़ों की तौफीक अता करे। खुदा करे हमारे रोज़े आज कबूल कर लिए जाएँ। लेकिन अगर कोई ऐसा कम है जिसके रोज़े कबूल न हो तो आइए उसके लिए हम दुआ करें कि परवरदिगार आलम उसे जिंदगी में एक ऐसा महीना जरूर अता फरमाए जब अपने रहमत से उसका रोज़ा कबूल कर पाए। या कुछ ऐसे कम नसीब भी हैं जो ताकत और कुव्वत के बावजूद बीमारों की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकत और कुव्वत के बावजूद जिन कम नसीबों ने रोज़ा नहीं रखा रोजे से महरूम रहे, आइए उनकी भी दुआ करें। वो भी हमारे भाई हैं कि अल्लाह ताला उन्हें भी रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए इस साल में से या आइंदा साल। याद रखिए गुनाहगार हमारा भाई है, हम भी गुनाहगार हैं। अगर हम अपनी अल्लाह की बारगाह मफ़रत की उम्मीद रखते हैं तो अपने गुनाहगार भाइयों को भी मफ़रत के को बख्शने की कोशिश करें और कोशिश करें कि अल्लाह उनको भी माफ़ फरमा दे। इस्लाम मोहब्बत और प्यार